ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन और करना है हमको 25 क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे कि बड़ा आसान सा होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, कुछ भी नहीं होता और होता बहुत कुछ है। सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन डाटा इंटरप्रिटेशन है और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज चैप्टर अच्छे से आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। सो परसेंटेज पिछले क्लास में पढ़ा है, वीडियोज़ भी डली हैं, उन सबको बहुत ध्यान से देखना है और क्वेश्चन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले करेंगे पाई चार्ट। देखिए ये एक पाई चार्ट है, राइट, और मैं ले लेता हूँ ना, तीन खिलाड़ी ले लेता हूँ, सचिन, सहवाग, विराट और बाकी अदर्स। अदर्स मतलब सारे खिलाड़ी आ गए, रैना सब कुछ। और सचिन ने मारे 20% रन्स, सहवाग ने 30%, विराट ने 25%। तो अदर्स कितना मारेंगे? 25%। ये मेरा डाटा है और इसका मतलब ये है कि पाई चार्ट जब भी कुछ दिखाता है परसेंट के केस में, तो ये पूरा कंप्लीट है कि नहीं है, है ना? तो ये कितना परसेंट का होएगा? 100% का पाई चार्ट होगा। हम पिछली चीज़ों को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे कि अगर मैं कहूँ कि सचिन स्कोर्ड 60 रन्स, सचिन ने 60 रन मारा, तो सहवाग ने कितना मारा? लुक एट इट, कि सचिन ने 60 मारा, सचिन स्कोर्ड 60 रन्स, देन हाउ मेनी रन्स सहवाग स्कोर्ड। अब सचिन 20 है ना, तो 20 का मतलब 60 और 1 का मतलब, तो 1% का मतलब पता चल गया तुम्हें, और 1% 3 है तो 30% कितना होगा? 90 रन। ये बिल्कुल लॉजिकली देखोगे तो आंसर अपने आप आएगा। जैसे मैं कहूँ, क्वेश्चन देखिए, और मैं कहता हूँ कि सचिन और सहवाग ने मिला के 200 रन मारे, मतलब बोथ सचिन एंड सहवाग टुगेदर मेड 200, तो विराट ने कितने रन मारे होंगे? क्योंकि ये सम कितना, 50 का मतलब, 1 का मतलब, तो सो यू गॉट इट। तो ऐसा क्वेश्चन होता है। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि सचिन ने सहवाग से कितना परसेंट कम रन मारा? सचिन ने सहवाग से कितना परसेंट कम रन मारा? अब दिल क्या चाहता है कि ये 20%, ये 30%, तो इससे कितना परसेंट कम है? 10%। और ये टोटली 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 गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला, देखो DI में परसेंटेज में खेल बिल्कुल अलग होता है। मेरा क्वेश्चन था कि हाउ मच परसेंट लेस रन्स आर मेड बाय सचिन देन सहवाग। ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, अगली बार लिखूंगा, नहीं ध्यान रहे। कितना परसेंट कम है? 10। और ग्राफ एक ही है ना, तो यहां लगते कि 10% कम है, पर वो 10 कम है, और किससे कम है? जिससे कंपेयर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, तो 10 कम है, और किससे कम है? सहवाग से। तो 10/30 × 100 कितना परसेंट हो गया? 33.33%। परसेंट में ना जिससे कंपेयर होता है उससे बहुत ज़्यादा डिमोनस्ट्रेशन हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपना कंपेयर कर रहा हूँ किसी से, तो फिर चलो ठीक है, पर मैंने कंपेयर किस, मान लो विजय माल्या से कर लिया कंपेयर अपना, कि भाई मैं उससे कितना गरीब हूँ, तो फिर तो हालत ख़राब हो जाएगी ना। तो कंपेयर जिससे होता है उससे मैटर बहुत तगड़ा होता है, और जिससे होगा कंपेयर वो कहाँ होगा? डिनोमिनेटर में। अच्छा चलिए, ओरली एक क्वेश्चन का आंसर बताइए एवरीबडी, कि सहवाग ने सचिन से कितना परसेंट ज़्यादा मारा? सहवाग ने सचिन से कितना परसेंट ज़्यादा मारा? सभी बताइए, क्योंकि कितना ज़्यादा मारा? 10। और किससे ज़्यादा मारा? तो इस बार कौन नीचे आएगा? तो 10-20 आ जाएगा, यानी दो आंसर बने। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर देन सहवाग है तो सहवाग का नीचे, बट देन सचिन है तो सचिन का नीचे, यानी आंसर में बहुत तगड़ा फर्क हो जाएगा। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, बता सकते हो कि विराट ने सहवाग से कितना कम रन मारा? विराट ने सहवाग से कितना कम रन मारा?
हाँ अभी देखो, अभी दिमाग में ना ऐसे मत करने लगना भाई साहब, ये तुमको कसम है अगर ऐसा किया तो। कितना कम है ये? और किससे कम है? सहवाग। तो सहवाग का नीचे आएगा, तो तुम सोच रहे होगे कि इससे इससे काट दें पहाड़ा। पढ़ो जरा कितना है, 6 है ना। वो सब दिमाग में हो जाना चाहिए, ये सब पहाड़ा वाड़ा जो है ना वो सीधा देखते। कितना कम है? 5। किससे कम है? 30 से। 1/6, 1/6 का मतलब 16.66%, एंड दैट्स इट, यू गॉट। सिंपल है, चलिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि इंडियन टीम ने टोटल मारे 400 रन, इंडियन टीम ने, तो सचिन ने सहवाग से कितना कम मारा? इंडियन टीम ने 400 रन मारे तो सचिन ने सहवाग से कितना कम मारा? कि भी टोटल 400 मारे, 100 का मतलब टोटल तो 100 ही है, 100 का मतलब, 1 का मतलब, 10 का मतलब। अब ये सीधा है ना, 10 कम है तो सीधा कितना हो गया? 40। ये बेसिक था, इसी पे क्वेश्चन आता रहता है कि अदर्स में राहुल द्रविड़, सच मतलब टीम ने मारे पता नहीं कितने, इसमें अदर्स थे, इसमें राहुल द्रविड़ ने मारे 80 रन, जो कि अदर्स का 20% है, तो बताओ अदर्स ने कितने मारे? तो 20 का मतलब 80, तो 25 का मतलब कितना, मतलब 100 का मतलब कितना अदर्स में, फिर निकालेंगे पूरा 100 का मतलब कितना, मतलब हम पार्ट वाइज तोड़ लेंगे। अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे वो। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे ये ना 100% वाला ग्राफ है, वैसे एक एंगल वाला ग्राफ भी होता है भाई, ठीक है? ये सेम, हम इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे और कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। अदर्स सेम चीज है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एंगल में, ठीक? अब देखिए कि सचिन यहां कितना परसेंट है, तो 100% टोटल ग्राफ था, वैल्यूज नहीं ले रहे, वैल्यूज की जरूरत भी नहीं है। अच्छा जैसे परसेंटेज में 100 होता है, वैसे एंगल में 360, पूरा जोड़ जाड़ के कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब देखो ये जब 100 होता है तो सचिन कितना होता है? तो 100 का मतलब, तो 360 का मतलब, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? जब ये 100 तो सचिन कितना, मतलब अगर मैं सचिन का एंगल निकालना चाहूँ तो मैं सीधा कहूँगा कि 100 का मतलब 20, तो 360 का मतलब, या सीधा कह सकते कि 100 का मतलब 360, तो 1 का मतलब कितना आ गया? 3.6। अब जिसका भी निकालना है, 3.6 आ गया तुम्हारे पास, 20 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 72 क्या डिग्री, ये ध्यान रखेंगे। और एक का मतलब कितना? 3.6। 3.6 मतलब 36 का टेबल याद हो जाए तो अच्छा रहेगा, कि 36 1 जो 36 2 जो 72 3 जो 108 4 जो 144 5 जो 180, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो 3.6 × 3 कितना होता है बोलिए जरा? 108 क्या डिग्री। अच्छा 3.6 × 2.5 कितना होगा? मुश्किल है भाई साहब, मुश्किल है क्या? अब 3.6 × 2.25 अगर ये दिमाग में करना है तो मुश्किल लगता है क्या? अरे डबल करो 36 का कितना होगा, उसका आधा करके जोड़ दो, हो गया ना। अभी डबल करेंगे, 36 का डबल 72, उसका हाफ कितना, तो 72 + 18 कितना, यानी अदर्स में कितना डिग्री आया? 90 डिग्री। और सेम विराट कोहली पे भी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो दो ग्राफ बनेंगे, अब इनको ऐड करके देखोगे तो कितना आएगा? 360। तो आप लोगों को दो ग्राफ मिलेंगे और दो क्वेश्चंस हम इस पर करेंगे, ठीक है? अभी एंगल पे ही, ठीक, अभी एंगल पे एक ग्राफ बनता है, ठीक है? और ये ग्राफ है एंगल पे जिस पे क्वेश्चन है, अब ये हमें सॉल्व करना है किसी तरह से, ठीक है? तो ग्राफ आपके सामने है, ठीक, और कितना ग्रुप इससे बना है? अदर्स, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का नंबर से, राइट? सो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बीए एंड बीएससी कंबाइंड? चलिए, अच्छा वैसे टोटल कितना दिया हुआ है, पहला मैं करा रहा हूँ, टोटल कितना दिया हुआ है? 9000, ठीक है? टोटल स्टूडेंट्स इन्होंने दे रखा है 9000। अच्छा बीए में कितना डिग्री है, बीएससी में कितना है, डीआई करनी है ना,
और BA BSc टोटल पूछा है ना, कभी भी पूरी लाइफ में इसको ऐसे मत जोड़ना, यू सी द क्वेश्चन, यू डू द क्वेश्चन, इट मीन्स यू डू एनी थिंग, यू नीड टू डू फास्ट। अब 48 प्लस 78, टेक्निक कुछ नहीं है इसमें, बट 78 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 86, 86 में 4 जोड़ेंगे तो 40 जोड़ेंगे तो 126, और 4 4 8, यानी BA BSc मिला के कितना हो जाएगा, मतलब व्हेन यू सी दिस इन द एग्जाम यू डू इट इन योर माइंड एंड मेक श्योर कि मिस्टेक ना हो। उसके लिए ऐड में जब आप चलते रहेंगे सड़क पे कहीं पे भी तो ऐड करते जाएंगे, 34 प्लस 54 कितना होता बोलो, 34 54 और 74 94, 168, 34 54 84, 34 54 84, 172, 30 50 50, एक तरफ रूल निकल गया, 30 50 80 160 हो गया, और 4 3 12, 172। तो माइंड में बिल्कुल रखेंगे चीज़ें, ठीक है, प्रैक्टिस करते टाइम पे। ये डिग्री कितनी आ गई, 126.8, BA BSc टोटल आ गया। चले अब पूछा क्या इन्होंने, कंबाइंड में थे कितने। अच्छा देखो, ये वाले एंगल की वैल्यू दी हुई है, ये किसने एंगल की वैल्यू होगी बोले, अरे बड़े बड़े आराम से देखो, ये उसका एंगल की वैल्यू होगी, यानी BA BSc कंबाइंड पूछा है, तो 360 का मतलब 9000, तो 126.8 का मतलब निकाल दो, ठीक है, कितना आएगा, 3170। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप एक वैल्यू निकाल लीजिए, ये कट गया, आप 9 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 100, यहाँ कितना आएगा 4। अब इसको आपने 4 से डिवाइड करना है। अब एक एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है, 100 बाई 4, एक एंगल की वैल्यू आ गई है। अब आने वाले में हम ये नहीं लिखेंगे 9000 बाई 360, अब हम एक एंगल की वैल्यू मेरे दिमाग में सेट है क्या, 100 बाई 4, अब ये मैं अपना सिस्टम रखूँगा और मे बी मैं ऐसी आंसर निकाल दूंगा। अच्छा मुझे बता दो तुम लोग, अदर्स में कितने होंगे, ऐसे ओवरली बताने की कोशिश करें, अदर्स में कितने बच्चे होंगे, फिर से देख लो एक बार, अदर्स में भाई एक का मतलब 100 बाई 4, तो 102.8 का मतलब, ठीक, 102 होगा, 102.8 के मतलब, नहीं नहीं एक का मतलब 100 बाई 4, तो 102.8 का मतलब, अदर्स में तो 102.8 है ना, बिल्कुल 4 से भाग करना भाई 102.8 को, डिवाइड करना है, पहले 4 2 जा जाएगा, इतना तो मुझे भी पता है कि 102 होता है ना, तो 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है, यू गॉट इट। चलिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि एक का मतलब, अब एक डिग्री का मतलब अब मैं आगे निकालता रहूँगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि इफ 20% ऑफ अदर्स आर परसुइंग बी फॉर्म एंड दे फॉर्म 1.6% ऑफ द टोटल बी फार्मा स्टूडेंट्स इन द कंट्री, देन वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ बी फार्मा स्टूडेंट्स इन द कंट्री। क्वेश्चन बहुत ईजी है, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, बट यू वैन यू सी इट कुछ फीलिंग आएगा, उस फीलिंग के साथ आगे बढ़ना है बस, और कुछ नहीं, करें करें, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, यू गॉट 1 मिनट ओनली। ऑप्शन में है क्या, तो फिर 1028 इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलिए टाइम खत्म होता है आपका, देखते हैं हम लोग क्या बोला इसने, 20% ऑफ अदर्स ना, 20% ऑफ अदर्स, ओके, तो चलिए अदर्स निकाल लेते हैं। अब देखो एक का मतलब कितना था, 100 बाई 4, तो 102.8 का मतलब ना ना निकाल लेगा कौन, 102.8 आ गया। चलिए इन ये पूरा अदर्स आ गया, इसके 20% लोग क्या करते हैं, बी फार्मा कर रहे हैं। अब भैया अदर्स में तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई म्यूजिक सीख रहा हो, म्यूजिक में ग्रेजुएशन कर रहा हो, तो
30% म्यूजिक में कर रहा हो, लेकिन हमें उससे क्या है, लेकिन 20% क्या कर रहे हैं, बी फार्मा। और ये पूरे देश में कितना परसेंट बनाते हैं, कितना बनाते हैं, 1.6। तो ये 1.6 का मतलब ये है भाई, पूरा ये 1.6 है। अच्छा, मैंने बताया था पिछले क्लास में, अभी भी वो तो बता रहा हूँ कि चाहे बी फार्मा के इंडिया में 10,000 लोग हों, बट वो अपने आप में कितने परसेंट है, और दिया क्या है 1.6 का मतलब इतना, तो 100 का मतलब कितना, और यू नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, 1.6 एक 10 ऊपर कर दो, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 1.6 64 है, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये 4 5 से कर दो 20, और 1.6 16 टेबल में जाएगा ये, ठीक है, इसको 4 से काट देते 25, इसको फिर 4 से काट देते, टू फाइव सेवन, और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 0। अरे रुक जाओ रुक जाओ, जज्बाती कभी नहीं होने का है। 25 2570 25। अब ऑप्शन जरा प्यार से देखना, जरा पहले ऑप्शन पे आना फिर इस पे आना, लास्ट में क्या आएगा, ये 1.6 है क्या, ऊपर 0 कटेगा ना किसी से, ये 100 से 100 कट गया, अब ये 0 आ गया, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 2570 ये वाला 1.6 भी ऐड हो गया। अब ये क्या यहाँ 0 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 257 लास्ट में कितना आ गया, 5। ठीक है, ओके, अगर मैं ना पूरा मल्टीप्लाई करूँगा, मैं बहुत बड़ी चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड यू कंसीडर इट द बेस्ट वे, ये 25 है, 25 5 125, ये मेरे को पता चल गया। अब मेरे को 25 × 257 करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग, देखो अब ये 125 × 257 दिस इज अ बिग टास्क, बट जरा लास्ट डिजिट देखना सबकी, किसी की 0 है, किसी की 5 है, 5 कितने लोगों की है, एक की है, तो वैसे भी आंसर मेरा यही वाला हो गया जिसकी 5 है लास्ट में। और एक चीज़ और बनती है कि अगर 5 के अलावा कुछ और होता, मतलब ऑप्शन में 2 जगह लास्ट में 5 होता तो लगता कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम नहीं करते। और कैसे नहीं करते, देखो ये 125 × 257 है, लास्ट में ऑल इंडिया जानता है कि कितना आएगा, पर मैं लास्ट 2 भी जान जाऊँ ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में देखना पड़ेगा आपको कि लास्ट 2 डिजिट कैसे, इसकी लास्ट 2 ले लूँ, इसकी लास्ट 2 ले लूँ, 25 × 57 5 7 जा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे आप, कैरी कितना आएगा 3, 5 2 जा है, अच्छा 7 2 जा 5 5 जा 25 + 14 कितना हो गया, 7 2 14 और 5 5 25, 25 + 14 कितना हो गया 39 39, और प्लस और एक था क्या था 42 आ गया, यहाँ लास्ट में कितना आ गया 2, 7 5 35, 5 हो गया, कैरी हो गया 3, 7 2 14, 5 5 25, 25 + 14 39 39 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 42, तो लास्ट में 25 आया नहीं आया, और 25 भी तो चाहिए था। तो जब कभी, लेकिन ये कभी कुछ भी मल्टीप्लाई आ जाए 388 × 429, आप लास्ट में 2 आएगा या ऑल ओवर इंडिया जानता है, लेकिन अगर लास्ट की 2 डिजिट निकाल लिया ना तुमने और 2 डिजिट में मैचिंग हो गया, तो तुम्हारा काम ये जो 30 सेकंड में होने वाला था ये 2 सेकंड में हो जाएगा। बट तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई, फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से 7 5 35 5 करी कितना 3, 7 2 14 5 5 25 25 + 39 और 3 और जोड़ोगे तो कितना होगा 42। अच्छा क्या इसकी लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए प्लीज, लास्ट 2 डिजिट इसकी बता दीजिए, इसकी लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए कितना आया 52। अब आंसर कुछ भी हो, मैं देखूंगा ऑप्शन में मिलेगा तो 52 हो जाएगा। बाकी रही बात लास्ट 3 डिजिट की, ये भी हमने डिस्कस किया है, इसके लिए वीडियो डली हुई है, आप उसमें लास्ट 3 डिजिट भी चेक कर सकते हैं। बट लास्ट 2 डिजिट का फंडा तो आपको 100% सीखना है, एंड आई गारंटी यू कि पूरे एग्जाम में 35 क्वेश्चन में कम से कम एक क्वेश्चन में ये फंडा जरूर लगेगा,
मल्टीप्लाई बहुत तगड़ा होगा, बट एक फंड एक क्वेश्चन में यूज होगा, मतलब वो एक नंबर आपके पक्के बनेंगे और जल्दी होंगे वो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया 400 ज्यादा लोगों ने बीई ज्वाइन कर लिया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो बताइए स्टूडेंट का रेशियो क्या है बीएससी और बीई वालों का। ठीक है, बीएससी और बीई वालों का क्या ज्वाइन किया है? बीई कितने लोगों ने? 400। ओके, अच्छा बीई में है कितना? एक का मतलब कितना था वो मत भूलना भाई साहब, एक का मतलब तो दिया क्या हुआ है बीई में? 96। तो ये देखो कितना टुच्चा बन गया, ओरली नहीं हो सकता था ये जो काम मैं लिख के कर रहा हूँ। एक का मतलब 100/4, तो 96 का मतलब, अरे भाई मेरे को तो 96 को 24 से डिवाइड ही तो करना है, तो कितना कट गया पूरा 24 हो गया। तो ये बीई में था, बट 400 और आ गए, तो 2400 + 400 कितना हो गया? ओके, ये किसका है बच्चों? बीई का है। अच्छा चलिए बीएससी का ऐसे बताइए, लेट्स डू इट ओरली, बीएससी वाला ओरली। एक का मतलब 100/4, बीएससी में है कितना? अब ये फोर से तो टूटा कट ही जाएगा, ये कितना आएगा? 19.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 1960। और ये कितना? 1965। बोलता है कि बीएससी और बीई का रेशियो निकालना है बीएससी। अरे एक सेकेंड, रुक जाओ, कमाओ एक सेकेंड। हाँ क्यों, कोई बोला सीधे काट दो? हाँ कौन बोला क्या काट दें सर? दोनों में हाँ 100/4 से मल्टीप्लाई होगी। बिल्कुल सही बात, सीधे ही कटेगा। हाँ बिल्कुल सही बात। तो अगर हम सीधा ये लिख दें हाँ कि 400 हाँ इनटू हाँ 96 हाँ रेशियो हाँ 78.4 काट दो तो सीधा आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो गई है। ये कह रहे हैं कि 400 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अरे 400 टाइम्स थोड़ी ना है, वो 400 प्लस है, तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि ये इनकी बात सही है, लेकिन ऐसा होता कि बोलते कि बीएससी 2 टाइम्स है, तो रेशियो दिया ही हुआ था ना 2:2 समथिंग। और नहीं तो अगर कोई मान लो ऐसे पूछ ले तुमसे कि भैया बीएससी और बीकॉम का रेशियो क्या है, तो बीकॉम कितना? 34.4, और बीएससी कितना? तो सीधा डिवाइड कर देंगे, बट वो एक पाई चार्ट में होगा तब कर सकते हैं। यहाँ तो बोलते 400 ज़्यादा है। अच्छा ये 2800 और 1960 देख के तुमको कुछ होता नहीं है क्या? इसे देख के कुछ होता नहीं है क्या? तो ये ऐसे कटेगा नहीं कटेगा? और ये 196 14 का होल स्क्वायर होता है। अब होल स्क्वायर भी याद होना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है। ये 14 हो गया, ये कितना हुआ? 20। तो ये कितना हो गया? 7। और ये कितना हो गया? 10। तो आंसर कितना है? 0.7। अदरवाइज 7:10, दैट इज व्हाट? 0.7। बुलेट की स्पीड से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, और सपने में भी नंबर आना चाहिए तुमको। अब सपने में नंबर होना चाहिए, और उन लोगों की बात बिल्कुल मत सुनना जो बोलते कि पेपर बहुत टफ आएगा। कुछ नहीं आता पेपर, तुम जैसे लोग पेपर को ऐसे क्लियर करते हैं ऐसे। बस सपना में नंबर होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जीना शुरू करो मैथ्स को, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। समझ आया नहीं समझ आया? एनीबडी एनी डाउट? यू कैन फ्रेंकली आस्क कि भाई लगा देंगे हम, टेंशन मत लो, पूछ लेना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट ईयर में अदर्स कौन बढ़े? 1800 अदर्स, अदर्स इंक्रीज हो गए। कितने इंक्रीज हो गए? बाय 1800 अदर्स लोग। अदर्स वाले मतलब पता नहीं कौन कौन है, 1800 से बढ़ गए। तो कहता है कि जब कोई भी बढ़ेगा, अच्छा एक बात बताओ, अभी जब ये पाई चार्ट बनाया गया था तो किसको ध्यान में रख के बनाया गया था? 9000 को। तो जब एक बंदा अदर्स बढ़ेंगे तो सभी बढ़ेंगे, तो पाई चार्ट की टोटल वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन एंगल तो चेंज नहीं होता भाई, एंगल तो उतना ही रहेगा। अब मेरी सैलरी भले अगले साल बढ़ जाए 10-5%, लेकिन वो तो 100% ही रहेगी ना अगले साल के लिए। इस साल से बढ़ जाएगी पर अगले साल के लिए तो 100% ही रहेगी, तो एंगल भी वैसे चेंज नहीं होगा। दुनिया में एंगल टोटल कितना होता है? 360। तो अभी भी कितना होगा? 360। अच्छा इन्होंने पूछा किसका है? बी का, बी कॉम का। अच्छा जी,
तो बीकॉम में कितने बच्चे हैं? एक का मतलब 34.4 का मतलब। तो बीकॉम के लिए कितना आया? 860। अरे 4 से काटना है, ऐसे होता है। 4 8 जा 32, 24, 4 6 जा 4 24। क्या इसमें गड़बड़ है? एक का मतलब 100/4, तो इसका मतलब कितना? इंटू 100/4, 860 आ गया। अच्छा जी, अच्छा ये जो एंगल बना हुआ है, मैं तुम्हें मतलब समझाना चाहता हूँ बिल्कुल, कि मेरे पास, अच्छा एंगल तो है नहीं, मेरे पास तो टोटल वैल्यू है, और उसकी मतलब 360 है। तो मैं ऐसे कहूँगा, देखो 10,800 मीन्स कितना? 10,800 मीन्स 360 डिग्री। तो एक का मतलब, ये देखो बिल्कुल, मतलब क्या बताऊँ मैं, तुम कर दिया है बिल्कुल। अच्छा एक का मतलब इतना हो गया, और निकालना किसका है? 860 का मतलब कितना होगा? इंटू 860। जरा कृपा कर दीजिए, अभी ये लॉजिकली देखना चाहिए कि ये तो ऐसे हो गया, ये लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 12 3 36, 12 9 108, 3 3 9 3 हो गया, और 86 हो गया। 3/86/3 कितना होगा? 28.666। तो क्या हो जाएगा? 28.67 क्या डिग्री, लिख लीजिए 28.67 डिग्री, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो एक मिनट के लिए। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वेश्चन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी है, पाई चार्ट भी है, एवरेज भी है, और मैथ्स भी है। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें यू कैन आस्क, कोई भी। ये वाला चलिए एक बार और देख लेते हैं, आपको डाउट क्या है आप ये बताइए। तो एक का मतलब तो पता चल गया ना, हमें जो टोटल वैल्यू, मतलब इसके लिए एंगल 360 होता है, जब इतने रुपए में इतने गोलगप्पे आते हैं तो इतने में कितने आएंगे, इसका यही मतलब। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम। हाँ एक का था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू इट भाई, बहुत जल्दी करना है। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, करो क्वेश्चन नेक्स्ट। एक सेकेंड का क्वेश्चन है, डुच्चा है भाई, चलो देखते हैं, चलो बताएं क्या। चलिए आपको मैंने 1.5 मिनट का टाइम दिया हुआ है, जिसमें से 30 सेकेंड निकल चुके हैं। कोई बोल रहे 43%, सही हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है। चलिए छोड़िए, बस इतनी देर का क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। इफ द टोटल फी कलेक्टेड फ्रॉम द बी स्टूडेंट्स इज 4 times दैट फ्रॉम द बीकॉम स्टूडेंट्स, काम बन गया। बीकॉम स्टूडेंट से जितना टोटल पैसा मिला, टोटल पैसा वो बी के लिए क्या था? 4 गुना था। ठीक है ना, तो पूछता है कि एवरेज फी का परसेंटेज पूछता है ना, मोर देन कितना परसेंट है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप एक बच्चे का बीकॉम का जितना फीस होगा वो सबका एवरेज फीस होगा। फीस तो कुछ गलत होता नहीं यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसा तो ही नहीं कि मेरे से 500 रुपये ले लेंगे, तुमसे 40 रुपये ले लेंगे, सबसे 500 ही लेंगे। यहाँ ऐसे ही मानना पड़ेगा, होता कुछ और भी हो, बट हमें सबकी फ़ीस क्या माननी पड़ेगी? इक्वल, नो रिजर्वेशन। ठीक, तो सबकी फ़ीस यहाँ पे इक्वल है, तो एवरेज फीस का डिफरेंस पूछा कि कितना परसेंट ज़्यादा है बीई वाला बीकॉम से। इतना पता चल गया कि बीकॉम वाला नीचे आएगा, क्योंकि कंपेयर किससे हो रहा है? बीकॉम से। इतना क्लियर हो गया। चलिए मैं कहता हूँ कि लेट
फी ऑफ बीकॉम पर स्टूडेंट कितनी मान लें हम? 1 रुपया मान लें, ठीक है? अच्छा, जो बीकॉम में कितने बच्चे हैं, ऐसे बोल दो, 1 का मतलब 100/4, तो से हाँ, बीकॉम में कितने बच्चे हैं? 1 रुपया से एक बच्चे से कितना फीस लेते हैं? 1 रुपया लेते हैं, तो भैया 860 बच्चों का क्या होगा, यानी टोटल स्टूडेंट्स, टोटल बीकॉम स्टूडेंट्स कितना होगा? अभी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर बी वाले एक बच्चे की फीस पता होती तो सीधा आंसर आ जाता, पर बी के एक बच्चे की पता नहीं है, ये तो बी के सारे बच्चों की पता है। ओके, सो टोटल फी ऑफ बी स्टूडेंट का कितना हो गया? 860 into 4। मल्टीप्लाई नहीं करना, तब तक नहीं मल्टीप्लाई करना जब तक जरूरत ना पड़े, अभी यहाँ जरूरत नहीं है ना, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, ये कितने बच्चों की फीस है? कितने बच्चों की फीस? नहीं नहीं नहीं, ये बी की टोटल फीस है। दिस इज द फी ऑफ बी स्टूडेंट्स। अच्छा, बी में आ जाइए जरा, 96 डिग्री, 1 का मतलब 96 का मतलब, तो बी के कितने बच्चों की फीस है? 2400 के। सो फी ऑफ पर बी स्टूडेंट, फी पर बी स्टूडेंट, तो डिवाइड करना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, मजबूरी है, किससे? हाँ, यह कितना हो गया? 60, तो कितना हो गया? 43/30। अभी भी कोई डिवाइड वाइड नहीं करना, अभी ऐसे देखो, 43/30 रुपीज, 43/30 रुपीज। यहाँ कितना रुपया? यहाँ कितना रुपया? तो ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे कितना ज्यादा है? 13/30 और किससे ज्यादा है? 1 से, तो कितना परसेंट ज्यादा है? 13/30 × 100, दैट इज व्हाट 13। अब इसको दिमाग में कर लो भाई, 100/30 कितना होता है? 3.33%। 13 × 3.33, 13 × 3 = 39, 39 फिर 3 कैरी, 42.9 समथिंग आएगा, तो हम उसको क्या मान लेंगे? देखिए, मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको कि हमने क्या किया, हमने एक स्टूडेंट की फीस मान ली 1 रुपये, फिर बीकॉम वालों की टोटल मान ली, क्योंकि बीकॉम की टोटल इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि बी का टोटल बीकॉम की टोटल से निकलता, तो बी इसका कितना गुना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। अब ये कितने बच्चों की फीस है? 2400, तो एक बच्चे की कितनी होगी? क्योंकि कंपेयर किससे करना है? एक एक बच्चों से, तो डिफरेंस निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, काम हो गया खत्म। सो ये था आपका फर्स्ट डीआई का क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पाई चार्ट से ही है, बस ये डबल पाई चार्ट का क्वेश्चन है, डबल हो या ट्रिपल हो फर्क कोई नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर पता है, दैट्स इट, वेरी सिंपल चीज, ठीक है? अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आंसर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये 2 पाई चार्ट है, इसमें दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच डिसिप्लिन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4800 है और गर्ल्स कितनी है? 2000। मतलब 2 पाई चार्ट दिया हुआ है, एक टोटल बच्चों का, दूसरा नंबर ऑफ गर्ल्स का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? मुश्किल है क्या? व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन? तो गर्ल्स 100 का मतलब कितना है? 2000, तो 1 का मतलब भाई 100 का मतलब 2000, तो 1 का मतलब 20, और निकालना किसका है? इंजीनियरिंग, तो 12 का मतलब है ना, ये तो ओरली हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट से पहले थर्ड वाला देखो, नेक्स्ट बाद में करेंगे, थर्ड देखो, थर्ड कि बताइए द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन कॉमर्स डिसिप्लिन फॉर्म्स अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन दैट डिसिप्लिन। सीधा देखिए,
टोटल कंपेयर करना है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब पहला ग्राफ कॉमर्स में कितने परसेंट है. अच्छा, 100 का मतलब कितना दिया हुआ है, 4800. तो एक का मतलब 48, तो 21 का मतलब 48 इंटू 21, ये तुम्हारे टोटल बच्चे हैं, है ना. अच्छा, अगर इन टोटल बच्चों में से नंबर ऑफ गर्ल्स, एक का मतलब 20 और गर्ल्स कॉमर्स में कितनी है 24, तो 20 × 24 निकल जाए तो आंसर नहीं आएगा, इंटू 100 कर देंगे आंसर आ जाएगा. अभी रुको, ये तो सबको पता है, ऐसे तो सभी निकालते हैं. एक चीज देखनी बाकी है देश में, ये कितना, ये कितना 24 × 20 भी सब कर लेंगे, 480 आएगा, दुनिया जानती है. ये कितना कलम है ना, जो पेन, दिस इज कॉल्ड पेन, इट शुड बी यूज्ड लेस इन द एग्जाम. सो दिस इज 48, दिस इज 21, दिस इज 20, दिस इज 24. कैन आई टेक 24 कॉमन फ्रॉम हियर? 48 भी ले सकते हैं, 48 भी ले सकते हैं, लेकिन 24 दिख रहा है तो 24 ले लेते हैं. चलो एक बार की, बाद में 48 से भी बता दूंगा. 24 हमने कॉमन ले लिया, ये बचा कितना, यहाँ 20, यहाँ कितना बचा 42, 42 में से 20 गया, सीधा आंसर नहीं निकलेगा. अब ये कोई कह रहे थे 48 कॉमन ले लो, तो 48 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 48 बाहर आ गया, यहाँ बचा कितना 21, और यहाँ से कितना बाहर आएगा 10, तो कितना हो गया 48. मतलब अगर आप 48, चलिए 48 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 10, तो नीचे कितना हुआ 48 × 21, ये कितना हो गया 100. 48 से 48 कट गया, ये कितना आया 11/21 × 100. अभी देखते जाइएगा 11/21 × 100. ऑप्शन देखो और यहाँ पे देखो. अच्छा, 1/21 कितना परसेंट होता है, याद है कुछ तुमको, 1/21 कितना परसेंट होता है, 4.75. अब ये 11% है, तो इंटू 10 कर दोगे तो 47.5 हो गया, उसमें 4 और जोड़ दो, 47.5 में 4.75 और जोड़ दो, कितना हो गया, और ऑप्शन में है क्या, तो आंसर क्या 52 के आसपास है कोई, क्या 52, ये दिस इज द आंसर. यू डिड इट ओरली, कोई कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं, दिमाग में चलाओगे काम आएगा. लेकिन अब तुम कहोगे कि भैया मैं कैसे याद करूँ 11/21, द मेन प्रॉब्लम इज कि 1/21 कैसे याद करूँ मैं. अरे कोई मुश्किल काम थोड़ी ना, मैंने ट्रिक बता रखी है कि लर्न कैसे करना है, एंड यू हैव टू लर्न दैट, मेक योर माइंड कि हमने पूरा दिमाग बता रखा है लगाना कैसे है, 1 से लेकर 1/30 तक, उसको आप सीख के जाएंगे तभी काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा. ये हमें करना बिल्कुल बुलेट की स्पीड से, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी गॉट एनी डाउट्स इन द क्वेश्चन कैन आस्क मी. मैंने कुछ नहीं किया, मैं मल्टीप्लाई कर सकता था नॉर्मल जिंदगी, पर नॉर्मल जिंदगी चलाएंगे तो टाइम लगेगा, मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया. और ये चीज हर जगह करोगे आप, ठीक है, ये हर जगह करोगे. एवरेज पढ़ रहे हो, मल्टीप्लाई आ रहा है, कॉमन ले लो, ठीक है ना. अगर मान लो कल को ऐसा कहीं आ गया कि 138 × 61 − 122 × 83, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या कॉमन ले लेंगे 61, काम चल जाएगा हमारा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है. वो आप देखते रहेंगे कि कैसे कॉमन लेना है. 61 अगर मान लो यहाँ 84 होता ना, तो 122 भी कॉमन ले सकते थे, क्योंकि 2 यहाँ से निकाल लेते और 61 का डबल ही होता है, पर पॉइंट में आ जाएगा ना, ये 122 है, ठीक है, बिल्कुल सही. और 61 × 2 = 122, और ये कितना है, कितना उसका हाफ कितना होगा, 69. क्या ओरली कर सकते क्या, 69 और 122 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा कितना 69, वहाँ कितना बचा 83. आंसर माइनस में आएगा, बट मल्टीप्लाई कर लेंगे, गेटिंग ऑफ एनीथिंग ऑफ इट और नथिंग एवरीथिंग ना. चलिए बहुत बढ़िया, और बताओ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्या कहते हैं कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन मैनेजमेंट डिसिप्लिन टू द बॉयज स्टडिंग इन साइंस डिसिप्लिन. ओके, टोटल नंबर से मैनेजमेंट का पूछा हुआ है रेशो, ये आप खुद ही कर लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, यू गॉट 1 मिनट.
बॉयज बॉयज मैनेजमेंट डिसिप्लिन टू द बॉयज साइंस डिसिप्लिन. और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ऑनलाइन देख रहे होते हैं ना, सिट विद पेन एंड पेपर, ताकि आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सको, क्योंकि 2 घंटे का वीडियो है, तो डू समथिंग एटलीस्ट. अरे भाई, इत बस टाइम खत्म हो गया. कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज मैनेजमेंट में, अच्छा बॉयज का तो पता ही नहीं है, पर मैनेजमेंट में टोटल का पता है क्या? एक का मतलब कितना? टोटल वाले ग्राफ में 100 का मतलब 4800, एक का मतलब 4800, 10 का मतलब टोटल में से बॉय घटा दो, गर्ल्स घटा दो, गर्ल्स मैनेजमेंट में कितनी है? एक का मतलब 20 है, तो 20 × 8 अपॉन, और क्या दिया हुआ है साइंस में? ओके, साइंस में टोटल कितने हैं परसेंट? रेशियो निकाल लेना, पहले काट के पूरा बाद में रेशियो. 40 × 37. अच्छा, दूसरे में अगर हम कहें तो साइंस में लड़कियां कितनी पढ़ रही हैं? और एक का मतलब तो किसका? 32. आपने यही दोनों चीज सॉल्व करके यही रेशियो निकाल देना डायरेक्ट. अब देखो क्या कुछ कॉमन सॉमन निकल रहा है क्या? कुछ कॉमन निकल रहे हैं यहाँ से? 32 भी तो निकल सकता है नहीं क्या भाई? वैसे तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये जो 40 × 37 है ना, ये पेन दे देगा थोड़ा सा. बाकी सब आसान है. ये तो 480 हो गया, ये तो 160 हो गया, ये तो 640 हो गया, बट ये थोड़ी दिक्कत पैदा करेगा. ठीक है, तो एक तरीका है कि कॉमन लेके कर सकते हो. कॉमन ले लिया हमने 32, 16 लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से भी 16 नीचे से भी 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 × 37. ओवरऑल तो रेशियो निकालना है. चलिए, मैंने कॉमन लिया ऊपर से 16, बचा कितना यहाँ? 30. यहाँ कितना बचा? 10. गॉट इट? क्योंकि दिमाग में बिल्कुल तेज करना, 20 × 8 = 160, 16 बार लिया 6 हो गया, नहीं तो 8 लिया, यहाँ से 2 लिया तो 10 बचेगा. यहाँ से भी मैंने क्या कॉमन लिया था? 16. यहाँ बचा कितना नीचे? 3 × 37. ये तो मैं मन में कर सकता हूँ, और वो कितना हो गया? 111. और यहाँ से मैंने लिया था कॉमन, तो बचा कितना? 40. ठीक है, 40. अभी देखो आसान हो गया, नहीं हो गया? ऊपर कितना आया, नीचे कितना आया, तो रेशो कितना हो गया? है ऑप्शन में, है ऑप्शन में. दिस इज योर आंसर, गो बाय दिस मेथड. हर एक चीज, जितनी ट्रिक इस दुनिया में होती है, वो सब तुमको आनी चाहिए, चाहे वो मुझे आए ना आए, बट यू मस्ट नो इट, राइट? वो वैसे चीजें करनी है हमने. कॉमन लेना है, डिवाइड करना है. हो गया, चलिए, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कहते कि द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन कैटरिंग डिसिप्लिन फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज? इससे तो टुच्चा कोई क्वेश्चन है ही नहीं. 30 सेकंड का टाइम है, आंसर बोलो. क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकंड का टाइम है आंसर बताने के लिए. थर्टी सेकेंड का टाइम है तुम्हारे पास, वो तो हो गया कब का? चलो देखते हैं. क्या क्वेश्चन? कि गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में? कैटरिंग में. और गर्ल्स का हमको पता है कि 100 का मतलब, तो कितनी लड़कियां हैं कैटरिंग में? 10% ना, तो 20 × 10 अपॉन टोटल कितने बच्चे हैं? इनटू, तो 0 से 0 कट गया ना पूरा.
और ये कितना बचा 200 अपॉन 48 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम ओह माय गॉड अब 24 का तो परसेंट आई थिंक याद होना चाहिए कितना होता है 4.16 होता है ये मैंने बताया तुमको और तो तुम क्या कर दोगे उसको काट दोगे 4.17 ये सब देखिए ये चमत्कार यहाँ ऐसा लगेगा तुमको यहाँ हो रहा है बट आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू इफ यू बी रेडी ना तो यही चमत्कार एग्जाम में होगा और साला किसी की मत सुनना तुम किसी की भी मत सुनना सिर्फ मेरी सुनो तुम और जब मिल बैठेंगे ना हम तो समझ आएगा कि क्या पढ़ा है हमें ठीक है तैयार रहो बस ठीक आप में और अरे वाह नहीं 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 गलत है बैक पैक पर नहीं हाँ अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे तो कितना परसेंट हो गया 4.17% अब जरा सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए कह रहा कि विच डिसिप्लिन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग एट इट अभी देखो फीलिंग लेके तो कर नहीं सकते तुम तुमको लग रहा है यहाँ 37% लड़कियां वहां 32% हमें तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना आप देखो 37 × 48 है ना माइनस साइंस से शुरू करते हैं कितना 32 × 20 एक तो साइंस है दूसरा ऑप्शन क्या है आर्ट्स में क्या है हम आइडिया लगाएंगे आर्ट्स में क्या है एक का मतलब 48 तो कितने परसेंट है आर्ट्स में तो 48 × 18 माइनस बोलिए 20 × 14 पहले दो कंपेयर कर लेते बाकी कंपेयर करना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है कुछ में तो आइडिया लग जाता है कुछ में आइडिया नहीं लग पाता अभी बोले कि कौन से में मैक्सिमम है कौन मैक्सिमम है लड़के ये टोटल नंबर ये लड़कियां तो घटा दोगे तो क्या जगह लड़के अब ये आंसर कितना आएगा कोई बता सकता है खाली थोड़ा सा एनालाइज करे तो है नहीं देखते हैं क्या आंसर मुझे भी नहीं पता हाँ बताइए यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ 16 कॉमन ले लेता हूँ तो 37 × 3 कितना हो गया 111 और 40 तो 111 में से 40 गया तो कितना आया 71 तो यहाँ कितना हो गया 16 × 71 अच्छा इसकी बात कर लीजिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से तो आई थिंक 8 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 4 यहाँ से 2 यहाँ से तो अगर मैंने यहाँ से 8 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 108 हो गया और यहाँ से मैंने 4 यहाँ से लिया है और 2 यहाँ से तो बचा कितना 35 अब 8 इंटू कितना हो गया ये 108 − 35 कितना आएगा भाई पहले 8 निकाल दो तो बचा कितना 27 फिर 100 से 27 निकाल दो तो कितना हो गया 73 अब ये बड़ा कि ये बड़ा ठीक है ऊपर वाला हो गया यानी इस केस में तो हो गया और कौन सा नंबर बनता है मैनेजमेंट मैनेजमेंट 10% है तो मूझवा नहीं हो जाएगा तो 10% मतलब 480 हो गया वहाँ मैनेजमेंट कितना है 160 हो गया अभी भी कौन बड़ा है ऊपर वाला अगले में आ जाओ नन ऑफ दीज तो अब बचा कौन है इंजीनियरिंग कॉमर्स अच्छा कॉमर्स का भी ऑप्शन है हाँ बताइए कॉमर्स में क्या है 48 × 21 और अगले में क्या है देखो अगला भी हम कंपेयर कर लेते 48 × 21 − 20 × 24 इसका कंपेयर थोड़ा और कर लेते यहां से क्या बाहर ले ले 24 48 बाहर ले लो चलो कोई अच्छी बात है तो यहाँ क्या बचा 21 यहाँ कितना बचा तो ये कितना हो गया इन दोनों में कौन बड़ा हुआ अभी अभी भी देखना अभी इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना तुम्हें लग रहा होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अरे मेरे भाई ये 48 को क्या लिख सकते हैं 16 × 33 और ये क्या है किसी को डाउट है कि इसको 16 × 33 कैसे लिख सकते हैं मैं स्मार्ट हूँ ना मैंने क्या कर दिया इसको 16 × 3 और 3 भेज दिया वहाँ पे
ये सब जो जो मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ये बड़ी बातें हैं। एग्जाम में मतलब कंप्यूटर से भी तेज चलना चाहिए दिमाग तुम्हारा। ये 16 × 3 और ये 16 × 71, अब 16 × 33 बढ़ा कि 16 × 71 बढ़ा? ठीक है लिख लीजिए, बहुत लिख लीजिए, गुड। तो क्या आंसर है इसका? चलिए देखिए, अभी हमने पढ़ा पाई चार्ट। मैं बता दूं ये जो डीआई में जो नया नया फिगर बनता है ना, जैसे तुम्हें एक नज़र आ रहा होगा, इससे कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये ऐसी फिगर बनती रहती है, तुमको सिर्फ परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज सारे टॉपिक आना चाहिए। डीआई मतलब नथिंग, डीआई मतलब नथिंग, सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। फिगर देख के तो डरना ही नहीं है। ये तुम्हारे सामने एक लाइन ग्राफ है, इसमें भी क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट, और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है ना? प्रॉफिट परसेंट और ग्राफ को सॉल्व करना है, और लाइन ग्राफ बोलते हैं इसको, और बहुत ही टुच्चा है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर कंपनी वाई का 1997 में, कब? 1997 में कौन सी कंपनी वाई, क्या दिया हुआ है एक्सपेंडिचर? ना ना, एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में कितना? करोड़। बहुत अच्छी कंपनी है, 220 करोड़ रुपया क्या कर देते हैं ये, खर्चा कर देते हैं। तो इनको कुछ 1997 में कंपनी वाई को जरा प्रॉफिट बताओगे कितना हुआ है? 1997 में कंपनी वाई को 35% प्रॉफिट हुआ। हम उसको 5 लेके चलेंगे, राइट? तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 35%। अब देखते रहिएगा, पूछा क्या है इन्होंने, पूछा क्या है? इनकम कब पूछा है? प्रॉफिट लॉस की क्लास याद है ना? मैं क्या कहता था कि जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, वो क्या होता है? सीपी, ठीक है ना? वही सीपी होता है। तो ये कितना परसेंट हो गया और प्रॉफिट कितना हुआ है? तो इनकम कितनी हो गई? 135%। तो 100 का मतलब 220, तो 135 का मतलब, सीधा क्वेश्चन कि 100 का मतलब दिया हुआ है और निकालना किसका है? 135 का। काट डालो भाई, इसमें क्या दिक्कत है? अभी अभी इसको भी काटने का तरीका बताऊं क्या? बताऊं क्या? बताता हूं, सुनो। मैंने 11 का आपको ट्रिक बताया होगा, नहीं तो दोबारा बताता हूँ। ये 135 है, ये 22 है, इसको इंटू 2 कर दूँ तो 270 हो गया। 270 इंटू 11 हो गया, नहीं हो गया? मैं छोटे छोटे चीज़ों में क्रियाकर्म कर रहा हूँ। मैं ये कित क्या है? 22। 22 से मैंने क्या निकाला? 2। मल्टीप्लाई किससे किया? 135 से। वो कितना गया? 270। 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना? और ये कितना? अब 11 × 27 दुनिया जानती है, 11 × 27। मैंने बोल रखा है पहले 7, फिर 9, फिर 2, 297 करोड़। 11 से मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है कि पहले 7 लिख लेना है, फिर जो बचे उन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर जो बचे उसको लिख लो। मतलब अगर मैं कहूँ 11 × 135, तो यहाँ पहले आएगा 5, फिर आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, 1, 4, 8, 5, राइट है? ऐड करते जाएंगे, पहले 5, फिर 8, फिर 4, फिर 1, ठीक है? लिख लीजिए, ये 11 का मल्टीप्लाई का मतलब, अगर तुमने कसम खा ली ना, तो 40 to 50% क्वेश्चंस में पेन बहुत कम चलेगी, बहुत कम, मिनिमम, बट उसके लिए कसम खानी पड़ेगी पहले। बोलिए क्या होता है एक्सपेंडिचर? सीपी, एक्सपेंडिचर मतलब सीपी, जो भी खर्चा हुआ है वो सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। इनकम, इनकम तो इनकम होता है, एसपी समझ लो उसको। इनकम में जो आपका प्रॉफिट है वो भी यूज होगा, प्लस जो इनकम है, लॉस हो गया तो लॉस हो गया। 220/100 क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंडिचर कितना होता है? 100%। तो 100 का मतलब, तो 135 का मतलब,
100 का मतलब 220, तो 135 का मतलब, क्लियर है? चलिए, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े आराम से प्यार से समझना है, और सिर्फ ये समझना 100 का मतलब 120 का मतलब 135 का मतलब, बाकी सब ओरली आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इफ द इनकम ऑफ कंपनी इज इक्वल, राइट, तो निकालना क्या है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, कंपनी कौन से साल की बात हो रही है? 1999। अच्छा, कंपनी एक्स प्रॉफिट, कंपनी वाई प्रॉफिट। कंपनी एक्स को कितना प्रॉफिट हुआ? 45%, गुड। और वाई को कितना प्रॉफिट हुआ? कितना? 55%। वाई पूरा डायरेक्ट है ना, पूरा डायरेक्ट है ना, तो 50%, और ये कितना होगा? 60%। जो ग्राफ पूरा लाइन पे जो बनेगा ना, उस पे देखना है, जो पूरा जो सीधे लाइन पे बनेगा उस पे हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। अगर सीधा है तो कितना होगा? 50% एक्स और 60% वाई। कौन से साल में? 1999 में। देखो भाई, इनका सेम क्या है? इनकम सेम है, मतलब दोनों का, और पूछा किसका रेशियो है? एक्सपेंडिचर का। ये मैं सिर्फ तुम्हें ना लिख लिख के खाली परेशान कर रहा हूँ, आंसर तो आ चुका है, आंसर तो मतलब वो 10 सेकंड का काम है, बट वो देखना पड़ेगा थोड़े समय। अच्छा, इनकम तो सेम है, तो कुछ भी मान लेते भाई, ये 50% जो प्रॉफिट 60% है, तो 16 और 15 का एलसीएम भी मान सकते हो। 16 और 15 का एलसीएम कितना होता है? ठीक है, 16 और 15 का एलसीएम क्या होगा मानने के लिए बता दो, सिर्फ कितना होगा? 100। 16 और 15 का एलसीएम कुछ कॉमन नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 240, लेकिन अगर मैं यहाँ 240 मान लिया और यहाँ भी मैंने 240 मान लिया, तो मैं क्या करूँगा कि 150 का मतलब 240, तो 100 का मतलब, फिर यहाँ कहूँगा 160 का मतलब 240, तो 100 का मतलब। पहले ऐसे समझा देता हूँ मैं तुम्हें, कुछ भी मान लिया, आई डोंट केयर इवन कि 100, कुछ भी मान लो, क्या मानना चाहते हो, 200 मान लो, कुछ भी मान लो, 150 का मतलब 200, तो 100 का मतलब, क्योंकि इनकम जो होता है, सॉरी ये इनकम है, तो यहाँ पे इनकम रखना एक्सपेंडिचर में। फिर से बता देता हूँ, एक्सपेंडिचर कितना परसेंट होता है? 100%। तो इनकम कितना परसेंट हो गया? 150%। ये दिमाग में सब कुछ होना चाहिए, 150 का मतलब कितना दिया हुआ? 200, तो 100 का मतलब, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी इनकम मैंने 200 मान अज्यूम किया हुआ है, और ये कितना, ये 100% है, तो ये 160% होगा, और 160 का मतलब 200, तो निकालना किसका है? 100 का। अब ऐसे देखो, इनको दोनों का रेशियो निकालना है, तो 200 से 200 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो उल्टा हो जाएगा, यानी रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा? 160 into 150, तो कितना हो जाएगा? 16:15, उल्टा हो जाएगा ना। तो अगली बार, नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आए, तो सीधा यहाँ लोगे कितना? 150%, यहाँ लोगे 160%, और क्या कर दोगे? उल्टा, उल्टा कर दोगे, क्या कर दोगे? उल्टा, 150% हो गया और 160% हो गया, तो उसका सीधा क्या कर देना है? इनवर्स कर देना, और कुछ नहीं करना। ये था तुम्हारा तरीका, ठीक है? नहीं, उससे दिमाग चलेगा बिल्कुल तेज, सीधा उल्टा कर देना, आंसर निकल जाएगा। और आंसर क्या है? 16:15। और कितने देर का क्वेश्चन है ये? 2 सेकेंड। यू सी द क्वेश्चन, यू डू द क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन आपका हो गया, डायरेक्ट उल्टा करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि इफ इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई इन 2000 वर इन द रेशियो 3:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। बिल्कुल आसान है, सेम तरीके से होएगा, कर लीजिए। सेम तरीके का क्वेश्चन है, आपके पास 1
मिनट 30 सेकेंड्स हैं, 1 मिनट 30 सेकेंड्स, डू इट। तो ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। भाई साहब इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, इतनी आसान क्वेश्चन नहीं है, जब तक मैं मिटा रहा हूँ जब तक आंसर आ जाना चाहिए। और ये देखो कि रेशियो दिया हुआ है 3:4, और कौन से साल में, 2000 में। अच्छा, कंपनी एक्स का प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं क्या? 65%, और कंपनी वाई का 50% प्रॉफिट। पिछली बार क्या सेम था? इनकम। इस बार इनकम का रेशियो दे रखा है 3:4, तो जब इनकम सेम था मैंने कहा था उल्टा कर देना, 150 यहाँ 1/150, यहाँ 1/65, उल्टा हो जाएगा। लेकिन इस बार इनकम तो सेम है, पर इनकम सेम नहीं है, रेशियो दे रखा है 3:4, तो 3 का मतलब 165, तो और यहाँ पे 4 का मतलब 150, उल्टा मार दो 3 × 150, 4 × 165। अभी सॉल्व करना कितना मुश्किल लग रहा है, नहीं ये 3 से कटेगा आई थिंक सो। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा ये, तो क्या आएगा यहाँ पे 75 × 2 × 55। अभी किसी से और भी कट सकता है शायद, किससे? 5 से, तो कितना हो गया ये 15, ये कितना हो गया 22, तो आंसर कितना हो गया 15 × 22। ठीक है, थोड़ा सा और स्पीड चाहिए, थोड़ा सा और स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सेम ही, और 65 की जगह जैसे 62 ले लिया, 64 ले लिया, तो ठीक है ये ऑप्शन में वो गलत हो जाता है। हाँ, ये कह रहे कि वो डिजिट्स में ऊपर ग्राफ में पता नहीं चलता, ऐसा ज़्यादा होता है कि भाई आपको जैसे ग्राफ दिख रहा है तो आप आइडिया लगा ले रहे हैं 65 है, 30 है। इसको टैकल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर पहले तो आप 5 लेके चलोगे, उसके बाद फिर आप पार्ट बनाओगे अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। वैसे तो फुल चांस ये है कि इस बार जो है डिजिट्स भी लिखी होगी ऊपर, जैसे क्वेश्चन है ना वहाँ 65% है तो ऊपर लिखा होगा 65%, बट ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ इसके दो तरीके बनते हैं। अगर आपका एक मिनट के अंदर आपका पैटर्न नहीं सेट हो पाया तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना, अगर एक सेकंड के अंदर पैटर्न नहीं सेट हो पाया तो। जैसे इसमें तो बीच में ज्यादा 45 मान लिया, अगर उन दोनों के बीच में तो 47.5 या 43 ऐसे मानते हैं, लेकिन मैं वो तब भी बीच में नहीं आ रहा, बीच में नहीं आ रहा है, वो गड़बड़ हो जाता है, वो एग्जाम में गलत हो जाता है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप एक मिनट के अंदर पैटर्न सेट नहीं कर पाते तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। बट ये सब पहले होता था, अभी डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ आता है, ऊपर DI बना होगा, नंबर लिखा हुआ आएगा। अगर एग्जामिनर ऐसा देता है तो वो 41 मान लेगा, वो डेढ़ डेढ़ का डिफरेंस ले लेगा, या तो वहाँ पैमाना लिखा होना चाहिए कि एक का मतलब डेढ़, कुछ लिखा होता नहीं है तो डिफरेंस कुछ भी ले लेगा, वो गलत करवा देगा तुम्हारा क्वेश्चन। अगर एक पहले क्वेश्चन से पैटर्न सेट नहीं होता, यू लीव द क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे अगर पैटर्न सेट नहीं होता तो। बट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये सब पहले हुआ करता था कि ढूंढ ही नहीं पा रहे कंप्यूटर में कहाँ क्या क्या है, अभी सब लिखा हुआ होगा ऊपर, आपकी लिखा होगा परसेंटेज कितना परसेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज इन 1996 वर इक्वल एंड द टोटल इनकम वॉज 342 करोड़। कहते कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2009 में, करिए 1996 में, 2009 थोड़ी ना, 1996 में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 342 करोड़। क्या सेम क्या एक्सपेंडिचर? कितना 102 करोड़, लेट्स सी, हाँ 120 करोड़ है सर, ध्यान से देखो
अरे एक्सपेंडिचर सेम है तो प्रॉफिट परसेंट सेम है। नहीं, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो जो इनका इनकम होगा वो टोटल जोड़ देंगे, 100% ही है वो, है ना। अच्छा, पहले वाले की इनकम कितनी, 100%, और दूसरे की वैल्यू भी सेम है वो भी 100 ही होगी, अज्यूम कर लो। तो ये देखो कौन से साल की बात हो रही है, 1996 की, कंपनी एक्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग। कितना प्रॉफिट परसेंट है इसका, 40, और इसका कितना प्रॉफिट परसेंट है, तो हमने मान लिया कि 100-100 है ये पूरा, है ना। हमने एक टाइप से अज्यूम कर सकते कि 100% है, या जो भी मान लेते हैं। तो अगर ये 100% तो ये कितना परसेंट, प्रॉफिट 40%, तो इनकम कितनी हो गई, 140, क्योंकि सेम है तो यहाँ भी हो सकती है। यहाँ इनकम कितनी हो गई, 145, तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 285। तो 285 का मतलब दिया हुआ है, तो पूछा किसका मतलब है, प्रॉफिट कितना हो गया टोटल, 95, हाँ 85, काम खत्म। नहीं तो टोटल 200 का मतलब निकाल लो आप, ये टोटल 285 का मतलब दिया हुआ है, 200 का मतलब निकाल लो, फिर 85 घटा देना उसको, सॉल्व करें इसको। देखिए मैंने 100% मान लिया, 100 मान लिया, परसेंट छोड़ो, तो 140 कमाए तो 140 हुआ, यहाँ इनकम 145 हुआ, दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 85, 285 का मतलब 342, तो 85 का मतलब, 285 का मतलब 342, तो 85 का मतलब, ठीक है। तो डिवाइड कर लेना सीधा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड करके कितना करोड़ आ गया, 102 करोड़ रुपीस। समझा नहीं समझा, मतलब देखिए डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काट लो, सीधा सीधा 5 से काट लो और निकाल देना फिर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 1998 वाज 200 करोड़ एंड द इनकम ऑफ कंपनी 1998 वाज द सेम एज एक्सपेंडिचर इन 2001, राइट। सो द इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 2001, ठीक है। अच्छा, कंपनी एक्स का 1998 में, कंपनी एक्स का एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 200 करोड़, एंड द टोटल एंड द इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 1998 वाज द सेम एज एक्सपेंडिचर, ये इनकम हो गया, ये सेम था जो कंपनी का एक्सपेंडिचर कौन से साल में था, 2001 में, जो इसका एक्सपेंडिचर था, तो 2001 की इनकम पूछी होगी। अच्छा, 2001 में कितना प्रॉफिट हुआ है, 50%, और 1998 में कितना प्रॉफिट हुआ है, ओ माय गॉड। अब भैया ये 200 करोड़ ये 55%, जरा ओरली बता देंगे प्लीज, कितना आंसर आएगा, 200 का 55% कितना होता है, 50% 100 और 5% 10, तो कितना हो गया, 110, तो कितना हो गया, 300 करोड़। तो एक्स जो बोलते हैं कि जो ये इनकम है वो ये एक्सपेंडिचर, तो ये भी 310 करोड़ और ये भी 310 करोड़, ठीक है ना, 310 करोड़, और प्रॉफिट कितना है, 50% और 310 करोड़। इसका पूछा क्या है इन्होंने, प्लीज कृपया बता दीजिए, 2001 में 65% है प्रॉफिट। एक बार फिर से ग्राफ को देख लीजिए, एक्स का निकालना है हमें, ठीक है, 415 करोड़। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यही तो तुमको पता है, डीआई क्यों आते बैंक में, इतना डीआई क्यों आता है, क्योंकि ना तुम्हें बैंक में क्या डाटा देखना होता है। अब तुमने किसी की जगह किसी का पैसा ठोक दिया तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है, यही है ना। अब तुमने नाम पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, पता चला किसी के अकाउंट में 200 करोड़ पहुंच गए, हाँ, तो कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है। क्या
ये 465 होगा। अच्छा देख लेते, कोई बात नहीं है, आप इनकी बात सही है मान लेते हम लोग। 310 का 55% निकालना है ना, 50% निकालना है, तो कितना होगा 310 का 55%? 310 का कितना होगा? 155, और उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 465 करोड़। 415 भी ऑप्शन में है ना? अच्छा ठीक है, वो देखना पड़ेगा। देखो नॉर्मली क्या, 310 का हाफ किया, मैंने बताया किसी ने मेरे को बोला कि 105 होता है, जोड़ दिया 115 हो गया, पर 310 का हाफ एक्चुअली होता कितना है? 155। तो वो कहते नहीं कि दिमाग वहीं होना चाहिए, पूरा एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा सब। चलिए ठीक है, ये था हमारा लाइन ग्राफ पे क्वेश्चन, अब हम एक मिक्स्ड डीआई पे करेंगे। ठीक है शुरू करते हैं। देखिए अब ये एक डीआई आपके सामने है जो बार ग्राफ भी है, लाइन ग्राफ भी है, इसका बस चलता ना तो इसमें पाई चार्ट भी डाल देते हैं। वो तो जगह नहीं बनी इसलिए नहीं लग पाया, वरना पाई चार्ट भी हो जाता। एग्जाम में तुम घबराना बिल्कुल मत, वहाँ पाई चार्ट भी आ सकता है इसके साथ ही साथ में, एक अलग से बना हुआ होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी है आपको। जैसे जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि कितने फीमेल्स टोटल हैं, तो इसका और कोई तरीका तो है नहीं, निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है तो देखिए कि पहले ग्राफ में फीमेल्स कितने थाउजेंड है, 64,000। ठीक है, और कितने परसेंट फीमेल ने इलेक्शन में वोट दिया है, 75%। अब देखो भाई 64,000 है, उसका 75% मतलब 3/4, 75% 3/4 तो 64 × 3/4 कितना हो गया? 48 हो गया, 48,000। तो पहला फीमेल मैंने लिख लिया 48,000, पॉइंट आएगा मैं लगाता जाऊंगा वहीं पे, पहला फीमेल हो गया, ए में फीमेल हो गई। यू गॉट इट और नॉट? करना ओरली है इसको। अगर देखो अगर आपने ना ऐसा करना शुरू किया कि 64 फिर लगाया 30 × 75/100, ये ऐसे करोगे ना तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, फिर ये तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी मत करना, तो फिर करोगे क्या? आएगा तो ऐसे ही सारा, तो करना तो पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा तेज बनना पड़ेगा कि 75% का मतलब कितना हो गया? 3/4, वो दिमाग में होना चाहिए, तो इंटू 3/4 और सब कट पिट के क्या हो जाएगा? 48,000। ये 48 नहीं है, ये 48,000 है। ठीक है अब आ जाओ अगले में, फीमेल है कितनी? 50। अभी देखो मैं हर चीज में फीमेल कितनी है? 50, और कितना परसेंट है? 72। अभी देखिए अभी 48 आ गया ना, वो ध्यान से देखो ना तो ऊपर बना हुआ है, वो सर्कल ऊपर बना हुआ है, तो 72 है। अब देखिए ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे ना, 72% ऑफ 50, यही है ना, 72% ऑफ 50। बट इसको अगर दिमाग में करना है तो आप क्या लिखोगे? 50% ऑफ, तो कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए जय, 36 हो गया। ठीक है लिखते रहते हैं। अब आ जाइए सी में, 72,000 लड़कियां हैं फीमेल्स हैं, और उसका 50% कितना हो गया? ठीक है सी में हमने देखा कि 72,000 टोटल फीमेल्स हैं, जिसमें 50% फीमेल्स ने क्या दिया है? वोट दिया हुआ है, तो कितना हो गया? 36। ये क्लियर है कि जो सर्कल वाला पार्ट है वो क्या दिखाता है? फीमेल्स की परसेंटेज, और जो बार ग्राफ पे डॉट डॉट लगा हुआ है वो क्या दिखाता है? फीमेल्स का नंबर। अब अगले ग्राफ में देखेंगे कितना है, 80,000, जिसमें परसेंट कितना है? 65%। अब 80 का 65% क्या होगा? 80 का 65% 80 का 65% कितना आया? अब देखिए पहले करना क्या है, 80 का 50% निकाल लो कितना हो गया? 40। फिर 10% निकाल लो कितना हो गया? 8, 48 हो गया। फिर 5% कितना निकाल लो? 4, कितना हो गया? 52। लिखना कहीं नहीं है, बस ऐसे निकालना है। ठीक है अब ये डी का हो गया, अब आ जाइए ई पे, 72 का 48% मतलब 40, मैं ये भी ओरली करना है हमें, 48% ऑफ 72, तो 50% कितना हो गया? 36।
1% कितना हो गया 0.72, 2% कितना हो गया 1.44, तो मेरा आया कितना था 36, उसमें से घटाऊंगा कितना आएगा कितना 36 माइनस 1.44 34.56, यानी अब ये 1000 में है तो 34,030 लगना चाहिए, तो अब यहाँ मेरा प्रोग्राम थोड़ा बदल जाएगा, मतलब यहाँ पे 3456 एक जीरो और आ जाएगा। ये कौन से साल की बात, ई कंपनी ई की बात थी। अब आ जाइए एफ में, लड़कियाँ कितनी 25 और कितना परसेंट, तो 25 पर 90% तो ऐसे निकाल दोगे, 90% का 25 निकाल दो कितना 22.5, यानी यहाँ आ गया 225। अब सब पे जीरो लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, तीन तीन, तो यहाँ हो गया 0 0 0 0 0 0, तीन जीरो लगाते जाओ। ऐड करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ऐड कैसे करना, और इनको ऐड कर लो। 1000 वालों को पहले, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ सिक्स हो गया, यहाँ जीरो हो गया, एक कैरी बचा, ठीक है, वन कैरी बचा यहाँ तक। अब ये पूरा नंबर एक बार में आपको ऐड करना है। अब 48 है, 48 में सिक्स जोड़ लो कितना हो गया 30, जोड़ लो कितना हो गया 48, 6, 54 प्लस 30, 84 भाई 70, वो कुछ भी बोल लो गया, 84 में 6, 90, 30, 120, 120, 2, 124, 50, 174, 174, 4 कितना 170, और 30 फिर जोड़ देंगे तो कितना हो गया 208 हो गया, 208 में 2 जोड़ा 10 और 20 जोड़ा तो कितना हो गया 200, और कैरी कितना था एक, तो कितना हो गया 231। एक बार फिर से ऐड कर लो, एक बार फिर से ऐड कर लो, एक बार फिर से ऐड करो, अभी क्या है ना जोड़ना है, एक तो नॉर्मल जोड़ ले भी 48 36 36 52, दूसरा ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, और ये बिल्कुल दिमाग जो है ना तुम्हारा, जब स्क्रीन के सामने आप रहोगे तो बिल्कुल डायरेक्टली ऑप्शन और बाकी चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। तो देखोगे तो लास्ट की टू डिजिट तो सब में सेम है, 6060। एक बात ध्यान रखना कि पहली डिजिट पे काम नहीं करोगे, लास्ट की डिजिट पे आप काम करेंगे, क्योंकि पहली डिजिट बदलती है। तो हर जगह तो 60 है और हर जगह पे 60 है, लेकिन जो मेरी थर्ड डिजिट आई वो कितनी आई 060, यानी आंसर क्या होना चाहिए ए। लेकिन ये कब लगाओगे, जब ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं होगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसमें देखिए, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस में से है, और खाली खाली कैलकुलेशन, बट इफ यू नीड टू नो, इफ यू नो कि परसेंटेज कैसे निकलता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा आसान। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, बोलते हैं कि इन विच पेयर ऑफ सिटीज इज द नंबर ऑफ मेल्स हु वोटेड लास्ट इलेक्शन इक्वल, मतलब कौन सी सिटी में मेल इक्वल है, ए और बी में कंपेयर कर लो, सारे में कंपेयर करें और बताइए आंसर। आपके पास है 1.5 मिनट का टाइम, वो भी बहुत ज़्यादा दे दिया है, 1.5 मिनट्स। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन। अरे भाई देखिए ना, ए बी का कंपेयर कर लो, ए में मेल कितने थे 70,000 और कितने परसेंट लोगों ने इलेक्शन दिया 80%, तो मतलब 56 समथिंग आएगा, और इसी में बी में कंपेयर कर लो, यहाँ से 56 थोड़ी ना आएगा, देख लो भाई 48 का 70% 56 थोड़ी ना होता, गड़बड़ हो गया। अब आ जाओ सी में, बी और सी में चेक कर लेते हैं, 48 का 70%, ठीक है, और सी में कितना है 60 का 56%, और ये देखें तो बिल्कुल सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करना। बी सी में देखो क्या दिया है, बी में दिया हुआ है कि 70% ऑफ 48, और सी में क्या दिया हुआ है 60% ऑफ 56, 56% ऑफ 60, अरे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे कोई जमाना बदल गया क्या, 60% ऑफ 56 और 56% ऑफ 60, ये तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, अभी बता रहा हूँ, रोज बताऊंगा तुम कहोगे तो। ये 7 है
ये 8 है और ये 6 है, और ये एक 0 भी है, तो 0 यहाँ भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, ना करेंगे मल्टीप्लाई ना करेंगे डिवाइड, देखो प्यार से देखो, ये कितना है, 7 6 8 0 6 7 8 0, हु वांट्स मल्टीप्लिकेशन, नहीं समझे क्या, नहीं समझे क्या, हाँ मुश्किल है भाई, ये तो चमत्कार हो गया ना, 7 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 8, कैसा लग रहा है, सही है, 6 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 8, अब कैसा लग रहा है, अब सही है भाई सब, देखो 6 7 8 10, 6 7 8 10, क्लियर है, लिख लीजिए भाई सब, लिख लीजिए, कहने को टफ है, मैं बता रहा हूँ ना, खाली तुम खाली सुनते जाओ, लेकिन ये एग्जाम में नहीं कर पाओगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे, अगर तुम सोचोगे कि मैंने बोल दिया तुम कर लेगे ना, तो इम्पॉसिबल है, इसके लिए जीना पड़ेगा तुमको, कितने दिन बचे एग्जाम को, इतना बहुत है यार, कम करो थोड़े दिन, 10 दिन में तो कुछ भी हो सकता है, 10 दिन सिर्फ इसी टाइप से क्वेश्चन करते रहिएगा, अपने आप पता चलेगा तुम्हें क्या क्या हो सकता है, चलिए हाँ बोलो, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड तो भाई साहब इतना भयंकर लग रहा है, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु डिड नॉट हु वोटेड इन द लास्ट इलेक्शन, इसका मतलब भाई साहब जो मेल हैं और उनमें से जितने ने वोट जो है नहीं दिया है, मतलब वोट दिया है उनका डिफरेंस निकालना है, ऐसा लगेगा तुमको क्या लगेगा कि पहले ना 70, 48, 60 सबको जोड़ दो और सबको घटा दो, तो ये तो छोड़ दोगे तुम, पक्का बता रहा हूँ मैं, बट इसका इतना टुच्चा है, मेल अपने आप में कितना परसेंट होता है, मेल और सभी 100% होते हैं, समझ गए, नहीं तो 100% होता है, तो वो 70 लिखा हुआ है ना पहले ऑप्शन में, बट वो कितना परसेंट है, 100% है, वो 70 कितना परसेंट है, 100% है, तो 70 में से कितने लोगों ने वोट दिया है, 80% ने ना, मेल को देखें, प्यार से देखें, मेल को देखें, कितना परसेंट दिया है, तो कितने ने नहीं दिया होगा, तो 70 का क्या निकाल लो पहले, 20%, चलिए इसी हिसाब से करना है, सारे की परसेंटेज जिन्होंने दिया है तो सीधा डिफरेंस निकलेगा, नहीं निकलेगा, सीधा आपका आंसर निकलेगा और ये चमत्कार हो जाएगा, करिए देखिए क्वेश्चन तगड़ा है ये थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब कि सबका परसेंट निकालेंगे जोड़ेंगे, इसमें एक जगह थोड़ी सी दिक्कत है, एक जगह पे थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है कि जो डब्बे के अंदर फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे तो एक जगह 65 लिखा है, 70 लिखा है, फिर अंदर 56 लिखा हुआ है, तो जो अंदर 56 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर बाहर 56 लिख देते तो जगह ना बचती और तुम कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा दिया हुआ है, तो वो अंदर 56 है, मतलब आपको करना है 70 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 14,000, ओके 70 का 20% आ गया, 48 का 70% कितना होगा, 14,400, क्योंकि 48,000 लोगों में से 70% लोगों ने वोट डाला, यानी 30% ने वोट नहीं डाला, आप सारी वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 122,850, अभी थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा होगा आप लोगों को, आखिर ऐसे क्या कर दिया हमने, ये तो टोटल का पूछा था, एक बात बताइए जब ये क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स और जिन्होंने वोट डाला उनमें डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने वोट नहीं डाला, ये इस क्वेश्चन का किक था, और अगर ये किक समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, बट फिर भी क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना टिपिकल क्वेश्चन है, गलत होने का चांस रहता है, तो आप उसकी जो भी मल्टीप्लिकेशन है, अब जैसे मान लो डी का करना है तो 56,000 और कितना परसेंट, 30%, वो आप बिल्कुल सोचेंगे, दिमाग को बिल्कुल सॉलिड रखना है, ठीक है, अभी क्या करना है हमें कि फोर्थ और फिफ्थ अब आप खुद ही कर लेना, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद ही कर लेना, अब हम देखते हैं कि मिसिंग डीआई के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, मतलब जब आप छोटे होते थे तो किसको ये ड्रीम आता था कि एग्जाम दे रहे हैं और पेन खत्म हो गई या बस नहीं चल रही है आगे,
एक्स्ट्रा सीट नहीं मिली, कलम नहीं मिला, कलम खत्म हो गई, क्या क्या ऐसे सपने आते थे ना, क्योंकि ना अरे मजे मत लो सुनो, क्योंकि तब आप सीरियस हुआ करते थे, अभी बस चलता रहता है। बहुत सारे लोग अभी भी बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल डरने का तो बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ सोचते रहिए एग्ज़ाम के बारे में, और सोचने का मतलब है काम करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, फेल होते रहिए। मैंने आप में से कुछ लोगों को देखा है और उन्होंने टेस्ट दिया हुआ है, एंड द बेस्ट पार्ट आप क्या करेंगे, आप टेस्ट देने के बाद जो आप टेस्ट का रिजल्ट होएगा ना, आप उसको कमेंट बॉक्स में अपडेट करो उसको कि भाई मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है और मेरे इतने नंबर आए हैं, और सही सही अपडेट करो, दुनिया के सामने बेइज्जती होनी चाहिए, ठीक है नहीं, कम से कम 2,500 लोग जाने कि मेरे ये हालत है, और करते रहना डे टू डे अपडेट, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जो लगेगा यार वो कमाल हो गया, फिर तुम्हारी इज्जत थोड़ी बढ़ जाएगी। और अभी इज्जत बिज्जत का टेंशन मत लेना, क्योंकि इज्जत होती किसकी है, मतलब किसकी इज्जत होती है, जब कुछ बन जाते हैं ना तभी तो होती है, और बेइज्जती तो होगी तब जब वो होगी, तो इसलिए वो सब छोड़ छाड़ के आपने बिल्कुल नॉर्मली पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, डरना बिल्कुल नहीं है, टेस्ट देते रहो, टेस्ट जरूर देना है, वही पास कराएगा। मैं कितनी भी ट्रिक तुम्हें बता दूं, तुम कितनी भी ट्रिक जान लो, बट जब वो अप्लाई करने की बारी आएगी तो लुल हो जाओगे वहीं पे। वो तभी कर सकते हो जब टेस्ट करा होगा, जब पहले प्रैक्टिस करी होगी। जो लास्ट 2 डिजिट की ट्रिक है, जो बाकी ट्रिक है, यूनिट डिजिट की ट्रिक है, सब दिमाग में रखना है, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रख के आपको करना है, टेस्ट आज भी जाके देना है, और स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। आप अपने रिजल्ट को अपडेट करिए यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में, वी विल डिस्कस अबाउट इट, ओके। चलिए अभी जो 4th और 5th क्वेश्चन था दूसरे वाले DI का, वो आपको करना है और बताना है कि आंसर कितना आया। और अब हम देखते हैं ये मिसिंग DI का एक क्वेश्चन है, ठीक है, मिसिंग DI का क्वेश्चन देखिए कि दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ घी 80 रुपये किलो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये पूरे ग्राफ बने हुए हैं आपके सामने, एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ मिसिंग है, इसीलिए इसका नाम है मिसिंग DI। और लोग ना इससे इतना डरते हैं, वो कहते मिसिंग DI, मिसिंग DI, अबे कुछ मिसिंग DI उसिंग DI नहीं होता, तुमको चैप्टर आता ना प्रॉफिट लॉस, क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सोल्ड घी इज 10%, देन वॉट इज इट्स कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। अच्छा जी, कहता कि 10% है। अच्छा घी जो है कितने रुपए किलो है, 80 का 10% कितना होता है, लेकिन अगर हम कहें कि 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है और कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग भी है, पैकेजिंग की भी तो कॉस्ट होती है, कॉस्ट होती है पैकेजिंग की, नहीं होती। तो अगर आपका 88, मैं आपको समझाता हूँ कि आपका टोटल खर्चा जो हुआ, टोटल घी पे जो खर्चा हुआ वो 80 + 8 + x, क्योंकि पैकेजिंग नहीं दिया हुआ। अभी देखते रहिएगा, अभी हम x तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए माना है और x का कोई काम नहीं है, ये अभी देख लेंगे हम लोग। 80 और 8 और x, ये क्या है टोटल CP, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ है, 10%. अच्छा सेलिंग प्रॉफिट कितना हुआ, 10%, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 120, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 120, और प्रॉफिट कितना हुआ है 10%। तो भाई साहब ये जो प्रॉफिट है ये मैं रख देता हूँ 10%। अच्छा तो CP कितना हो गया, 110 का मतलब 120, तो 100 का मतलब, मानते कि नहीं कि प्रॉफिट तो CP तो 100% ही होता है, तो 120 का मतलब 110, तो 100 का मतलब कितना आएगा, 1200/11, ठीक है, ये आपका CP आ गया, ठीक है, दिस इज योर CP, और ये क्या है CP, तो दोनों बराबर ही है ना आपस में। अच्छा ये 88 आया, ये कितना आएगा जरा पॉइंट में निकाल लो एक बार, 10, तो डिफरेंस कितना है, खत्म, आंसर खत्म, यू गॉट द आंसर भाई, 1200/11, 1/11 9.09 होता है, नहीं होता है,
अच्छा इसको ऐसे लिखूंगा तो कुछ बुरा मानेगा क्या? क्या 100 सॉरी 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक बार कन्वर्ट करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में या तो सीधे 1/11 कितना होता है? 9.09, वो सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर दो 9.09 को, क्योंकि ये ऐसा है देखो 12/11 × 100, अब 12/11 100 हो गया तो 100% हो गया, तो इसको मैं 1+1/11 लिखूं नहीं लिखूं? और 1 मतलब कितना परसेंट? 100%, और 1/11 मतलब जरा प्यार से बोल दो एक बार कितना, तो 100+9.09 कितना हो गया 109.09, और ये कितना था 88, घटा लो 21.09 इज द आंसर। एक्स वेक्स का कोई कहीं यूज ही नहीं हुआ, मतलब अगर सारे फंडा क्लियर है तो भाई साहब इतना जल्दी आंसर आएगा कि इवन यू कांट बिलीव इट। सामने देखो ना 12/11, ये दुनिया जानती है 109 होता है, सपने में भी किसी से पूछोगे तो बता देगा 109 होता है अगर प्रैक्टिस है तो। अच्छा सुनो, अगर ये 13/11 होता तब थर्टीन बाई इलेवन, मतलब अगर 13/11 तो कितना परसेंट होता, तो 2/11 माने 9.09 × 2, 9.18, 18.18, तो 118.18, ठीक है ना, सिंपल। अच्छा एक और कर देते, ये मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, जरा एक प्लीज कर दो, बता इसका आंसर बता दो कितना परसेंट होता है प्लीज। 114.28%, 114.28%, और कोई बोले 9/7 कितना परसेंट होता है तो क्या बोलोगे? 128.35 कितना? 128.35 सही में 56 128.56, क्योंकि 14.28 का क्या करना पड़ेगा डबल। इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना भाई 1+2/7, और 1 का मतलब 1/7 14.28, तो 2/7 28.56, तो क्लियर हो जाएगा। ये समझ आ गया पहला क्वेश्चन, अब आ जाओ सेकेंड डीआई पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? माय गॉड, इससे टुच्चा कुछ है नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, इससे टुच्चा कुछ है नहीं, नाम है मिसिंग डीआई, और क्या मिसिंग है यही नहीं पता, कहता कुछ मिसिंग ही नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर एंड दैट ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज जीरो? राइस में तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है और कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग कितना है, और सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट कितने का हुआ? राइस में 5% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? हाँ बोलिए, डिफरेंस पूछे ना सेलिंग प्राइस को तो निकालनी ही पड़ेगा। 40 का 5% कितना होता है? दो होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 42। चलो किसका? राइस का। अब आ जाओ दूसरा क्या है, शुगर का। तो शुगर में जो है ट्रांसपोर्टेशन तो खत्म हो गया, खर्चा टोटल तुमने कितना किया 50, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 50, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा 100, तो डिफरेंस कितना हो गया 42 और 48। लेकिन अब हम देखते हैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहले तो हम शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर जो है 45 रुपये प्रोडक्शन पे खर्चा हुआ और 5 रुपये पैकेजिंग पे खर्चा हुआ, लेकिन ट्रांसपोर्ट पे कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 50, ये तुम्हारा सीपी है। और फिर प्रॉफिट कितने का हुआ इस पे 50, तो एसपी कितना हो गया 100। ये पहली कंडीशन थी। दूसरे में दे रखा है राइस, राइस में सीधा दे रखा है 5% प्रॉफिट, और ना इसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई खर्चा हुआ ना पैकेजिंग में खर्चा हुआ, तो राइस में 40 है सीपी, तो एसपी कितना हो गया 42, तो ये एसपी 42 और ये एसपी, तो डिफरेंस कितना है? कौन कहता है 58 होगा और कौन कहता है कि 48 होगा? पता नहीं, मुश्किल है ना बहुत, ऑप्शन में है नहीं है, तो 48 होगा
अगर ये 42 है और ये 100 है भाई, ये तो बिल्कुल सही है, तो 100 में से 42 जाएगा, डिफरेंस तो पूछा ना इन्होंने, तो 58 होना चाहिए, 48 होना चाहिए, 58 होना चाहिए, तो नन ऑफ दीज है, बट ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, दैट इज नन ऑफ दीज। या तो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग कुछ दिया हो इन्होंने राइस वाले में, बट कोई बात नहीं, इस डाटा के हिसाब से हमारा 58 ही आएगा। ओके सर, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ पल्स, प्लीज डू इट, और बहुत तेजी से करिए, एक मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी कीजिए। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ पल्स, पल्स में 70, 10, 90 से % लॉस भी हो गया, सेम क्वेश्चन है। देखो, देखिए, चलिए पल्स की बात करते हैं, एसपी कितना 90, लॉस कितना हुआ है 6% का, तो अब सीपी निकाल लेते हैं हम, टोटल सीपी, मतलब जो टोटल सीपी है, तो 94 का मतलब 90, तो 100 का मतलब ये सीपी आ गया, सीपी कितना आया 0.99, कितना 0.99 हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि 99 है, ठीक है। और उसके बाद जो है पल्स में टोटल खर्चा कितना किया, 80 रुपये ना, तो भाई ये सीपी 99, तो 19 रुपये बचा कि नहीं बचा, और 19 ऑप्शन में है नहीं है, सी, तो आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, 19.9 आंसर। देखिए आप, ये टोटल आपका सीपी आ गया है, लेकिन क्या दिया हुआ है पल्स में कि 70 रुपये का खरीदा था, 10 रुपये का ट्रांसपोर्ट दिया, पैकेजिंग जानते नहीं है, ये टोटल तुम्हारा सीपी है, और टोटल सीपी इतना, टोटल सीपी इतना, तो ये 80 और 1 तो कितना 19 ऑप्शन में है, कौन सा आंसर है, सी। ओके ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, थर्ड तो हो गया, फोर्थ लिखा होगा कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मिल्क इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस। ओके बताइए, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मिल्क इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द राइस, बताइए। अब राइस में आप कॉस्ट प्राइस क्या लोगे, सिर्फ 80 लोगे या 88 लोगे, ये पूरा, हाँ करिए करिए, अच्छा राइस की 40 है, सब बाकी तो 0-0 है, तो 40 लेना पड़ेगा, 40 अज्यूम करेंगे आप प्राइस, हाँ तो मिल्क की सेलिंग प्राइस कितना हो गया 32, चलिए मिल्क का आपका सेलिंग प्राइस आ गया कितना आ गया 32, तो मिल्क पे उसने खर्चा कितना किया 24, तो कमाया कितना 8, तो 8/24 × 100 यानी 33.33%, यानी आंसर क्या है तुम्हारा 34%। अरे वो रिली हो गया नहीं हो गया, बोलता है कि जो राइस का था, राइस का प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 40, ये बाकी 0 दिया हुआ है, अगर 0 ना दिया होता तो पूरा जोड़ते हो, पूरा कॉस्ट प्राइस होता है, पूरा खर्चा उतना ही लगा है, पूरा कॉस्ट प्राइस में आएगा वो, तो 40 का 80% कितना होता है 32, ये किसका सेलिंग प्राइस है, एसपी ऑफ मिल्क, ये 80% ऑफ 40, मैं लिखने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी लिख रहा हूँ, कितना हो गया 32। अच्छा टोटल एसपी कितना है मिल्क का, मिल्क कितना है, अरे जोड़ लो भाई 24, कमाया कितना टोटल, हाँ टोटल सीपी, सॉरी एसपी तो ऊपर लिखा ही हुआ है यार, कमाया कितना और किस पे कमाया, तो कितना परसेंट हो गया, सपने में भी बोल सकते हो तुम, ठीक है, नहीं सपने में, एक क्वेश्चन ओरली था, वो तो टाइम पास करना है इसलिए लिख दिया मैंने, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आप सारा क्वेश्चन नेक्स्ट का आप करेंगे
और कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, और कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फोर का कितना? 34%, 33.33% है ना, वो 34% हो गया। हाँ बोले। अच्छा नहीं, 34 पे मारोगे, वो तुम क्या समझ रखा तुमने उन लोगों को, वो भी रिसर्च करते होंगे ना कुछ। आप क्या मारोगे? 34%, 33.33%। अगर 34 और 32 है, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना बैठे वहाँ, कुछ लगाया उन्होंने दिमाग। तो नन ऑफ दीज होगा नहीं, पहली बात। होगा तो उन्होंने टिकाई होगी, और टिकाई भी होगी तो भी आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 34%, नंबर वन। नंबर टू, ये पाँचवें का आंसर आप मेरे को सब बताएंगे कि कितना आंसर आया। ये आप सबका टास्क है, तो तैयार हो जाओ और डरना बिल्कुल मत। सिर्फ प्रैक्टिस ही तुमको बचा सकती है मैथ्स में, और DI से आसान कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम DI का एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपने मैथ्स के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। DI के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 15 प्री में। चलिए, और कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बताइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बिल्कुल तहलका मचा दो। ठीक है, थैंक यू।